मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे पालक के पकोड़े। शाम की चाय के साथ आप इसे बनाइए, चाय का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में हम ले लेंगे 2 कप बेसन और 1/2 कप सूजी। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके अलावा जीरा, अजवाइन और सौंफ 1/2 चम्मच, ये सब इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप डाल दीजिए 1 ग्लास पानी और 1 गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। इसे अच्छे से चलाते हुए 1 गाढ़ा घोल तैयार कीजिए और इसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रहें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। और यदि घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। और इस तरह से इसका घोल मैंने तैयार कर लिया है। 4 से 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा घोल तैयार हो जाएगा। अब कुछ पालक की पत्तियाँ ले लेंगे। पालक की बड़ी बड़ी पत्तियाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से धो लीजिए। 1 या 2 पानी से इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक पत्ती को लेंगे और उसे अच्छे से इस घोल में डिप करके पकोड़े फ्राई कर लेंगे। एक बार में आप उतने ही डालें जितने की कढ़ाई में अच्छे से आ जाएं। इसमें हमें ज़्यादा पकोड़े नहीं डालने हैं, नहीं तो अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। पहले फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही अच्छे से सिकने देंगे। पालक के पकोड़े पर ही बनाएं। अगर इसे थोड़ा लो फ्लेम पे कर देंगे तो इसमें ऑयल भर सकता है, इसलिए इसे हाई फ्लेम पर ही बनाएं। गोल्डन ब्राउन कलर होने पर आप इसे निकाल लीजिए। पालक के पकोड़े बनकर तैयार हैं। इस तरह से और भी पालक के पकोड़े आप तैयार कर लीजिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं, क्योंकि पालक तो बहुत ही हेल्दी होती है। ये बहुत ही इजी स्नैक्स है, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसे बना लीजिए। यदि मेहमान आ जाए और कुछ ना सूझे तो आप फटाफट से पालक के पकोड़े बना के रख दीजिए, मेहमान खुश हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। एक तो जो पालक के लिए हमने बेसन का घोल तैयार किया था वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। यदि पतला होगा तो पत्तियों पर अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। और फ्लेम को लो नहीं रखना है, हाई पर ही रखना है। हाई पर ही अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिक भी जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।